श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा सा यूट्यूब चैनल पे ऑटोमोबाइल मैकेनिकल। तो आज हमारे पास टॉड का 12 रन का हेडर है, तो इसका जो ब्रेक है ब्रेक प्रॉब्लम आ गया, तो इसका जो फ्रंट व्हील है वो लीकेज हो गया सिलेंडर उसका, तो हम लोग अभी इसको खोलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, तो ये बेल आइकन पे प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो तुम्हें मिल सके। तो पहले अभी आप जो टायर से नड़ने आप लूज करेंगे। दोस्तों ये जो आप टायर के नट ने 32 नंबर व्हील पाना लगेगा इनू, वो आप लूज कर लेने पहला। तो लूज करने तो बाद आप जो जैक है जैक लगावे, तो जैक लगा के जो टायर है वो आप फ्री कर लेने। जैक लगा तो पहले अपने वोल्टेज जरूर लगा लेने बाकी टायरों तो रियर वाले, तो उस तो बाद आप नट ने जो लूज किए जो खोल के टायर है जो बाहर क्ढने अपने, तो ये प्लेट पाई हुई है वो भी आप कढ़ देने, तो दूसरा टायर भी आप बाहर कढ़ लेना। चलो ये तो जनरल गल्लां ने कि तुहानू नॉलेज हैगी ने कि आप टायर खोलने हैं, उस तो बाद जो अपनी वीडियो स्टार्ट होंगी है कला कला स्टैप तुसीं देखना, तो फिर ही आप जो ब्रेक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकांगे। तो हुण इहदा आपां तुसीं देख सकते हो किवें ऑयल आया हुआ इहदे विच ब्रेक ऑयल, तो आप सिलेंडर देखांगे सिलेंडर भी इहदा टुटिया होया है गाइज, तो इहदा जो सिलेंडर है ब्रेक व्हील सिलेंडर ये भी अपना टुट गया डैमेज हो गया। तो हुण आपां जो इहदा खोलांगे, तो पहला आपां की करना इहदे 17 नंबर के बोल्ट होंदे आ दो लॉक, 22 नंबर नट नूं लॉक करके रखा होंदा 17 नंबर बोल्टां नाल, उस 17 नंबर के बोल्ट खोल के जो 22 नंबर की केम है केम आपां घुमाउणी आ, उस तो बाद आपां व्हील सिलेंडर खोलना। तो आप किम ने जो मगर हटा लेनी है तो देख सकते हो आप लैदर अगे पिछे कर रहे हैं गे, तो लैदर ने जो ये तो दूर कर लेने ने केम के 22 नंबर के नट होंगे आ, देखो तुम किमें आप सैड कर रहे हैं। तो उस तो बाद जो गुल्लियां ने पिस्टन दियाँ वो आप बाहर कटा, दूसरी सैड एक सैड दी गई गुल्ली निकल गई उस करके डैमेज हो गया, तो अपना तवा भी थोड़ा विंगा हो गया, आप सीधा करा इनू। तो यदिया जो दूसरी साइड की गुल्ली से पिस्टन की वह भी कढ़ दी है, हुण आप जो इहदा सिलेंडर है वह खोलांगे। तो ये 16 नंबर के तो बोल्ट होंगे 17 के भी हो सकते टोपी के, 16 नंबर टोपी के भी हो सकते हैं। तो पैप यदि जो आप पहले लूज कर लेने बोल्ट खोलन तो पहला लूज ही करनी है पूरी नहीं खोलनी, तो आप जो दो बोल्ट खोल लेने ने तो अपना सिलेंडर है बाहर आ जाएगा। तो हुण आप जो पैप लूज करी से पहला पूरी आप सिलेंडर घुमा के आप खोल लेना अलग कर लेना, तो तुम देख सकते हो सिलेंडर अपना जो डैमेज हो गया। जेकर तुसीं इहदी किट की वीडियो भी देखना चाहते हो भी आप अगर ये किट ही चेंज करनी हो सिलेंडर यही यूज करना हो, जिमें आप हमने सिलेंडर देखो तुसीं गुल्ली निकल गई थी उहदे नाल अपना साइज भी खराब होया जिथे गुल्ली कढ़दी आ, इस करके सारा कुछ होया। तो आप होर भी देखांगे की प्रॉब्लम आई इहदे च, तो तुहानूं मैं पहलां दस रहा कि जो आप सिलेंडर की अगर तुसीं वीडियो चाहते हो कि आप सिलेंडर की किट किवें चेंज कर सकते हैं वह भी तुसीं अगर कमेंट करोगे तो असीं वीडियो तुहाडे लई लेके आवांगे। तो कमेंट विच इनबॉक्स कमेंट जरूर करो कि तुहानूं किस तरह की वीडियो चाहिए है। हुण आपां नूं व्हील सिलेंडर नवा पाउणा पैना क्योंकि वो बाडी है जो डैमेज हो गई है। तो हुण जो आप कर रहे हैं हुण आपां इहदे जो ब्रेक शू ने उन्हां दे क्लंप हुंदे ने ते लौंग लौंग बोल्ट पाए हुंदे आ जो कि इन्हां नूं बैलेंस करके रखदे ने, वो अपने खोलने 13 नंबर के नट होंगे। दूसरी साइड तो 14 नंबर की चाबी लगा सकते हो बाहर वाली साइड, तो ये दोनों साइड के बोल्ट दोनों लैदर के एक एक पीस लग्या होंदा वह तुम कढ लेने ने। तो उस तो बाद तुसी इहदा की करना नीचे पिन्ना ने गियां दो पिन्ना होणगियां दोनों सूज दियां वह तुसी कढ़नियां ने, लॉक ने पहला लॉक लगे ने लॉक प्लस ही नाल आपां लॉक कढ के तां जो इहदियां पिन्ना ने वह आपां बाहर कढ दांगे। एक स्प्रिंग लग्या तुहानू दिख रहा वह भी आपां कढ देना,
उस तो बाद अगर जो ब्रेक शू ने वो निकल गए अपने, तो दोनों पिन्ना निकल गया, तो स्प्रिंग भी आप कढ़ता। तो हुण आप जो ब्रेक शू ने वो आप बाहर कढ़ांगे। तो सॉरी गाइस, एक पिन रह रही है हाले अपने। तो दूसरी पिन भी है जो वह भी निकल गई है, तुम देख सकते हो दोनों पिन आप बाहर कढ़ती हैं। हुण आप जो ब्रेक शू ने वो अपने कढ़ने हैं, तो ये अपन इस करके करना पै रहा कि अपना जो तवा है थोड़ा सा बैंड भी हो गया, तो वो करके अपन करना पेगा। लैदर आप सूज बहर कड़ रहे हैं, अगर कला सिलेंडर आप ठीक करना हो फिर आप जरूरत नहीं सूज कढ़न की। तो हम तुम देखो एक प्रॉब्लम होर आई हुई है, जो अपनी जिते ब्रेक सूज दिया पिन्ना पैदा ने गिया प्लेट दियाँ, और बोल्ट दो डैमेज हो गए टुट गए हैं, तो दो बोल्ट जो लूज ने बिल्कुल, यदि वजह नाल भी अपन सारी प्रॉब्लम आई है। ये की कारण, दो बोल्ट ने अपने ना खुल रहे थे, सीज हुए थे। आप दोनों की बोल्टों की टोपी कटा देनी है, तो बोल्ट कटा के गैस कटर की हेल्प नाल बाहर कढ़ांगे। ब्रेक सूज आ जो गुली होने नाल उहदी जो सीट है वो भी डैमेज हो गई है। तो गैस कटर की हेल्प नाल आपां बोल्ट ने जो कट दिते ने, तो हुण आपां जो इहदी प्लेट आ उतार लाँगे। तो प्लेट तुहानूं दिख रही है। उस तो बाद गई जी अपना नवा पार्ट आ गया, TVS का व्हील सिलेंडर है, 44 नंबर होंदा है, 57 भी बनता, 44 नंबर आपां इहदे यूज करना। तो 44 नंबर व्हील सिलेंडर TVS का ओरिजिनल पाउणा आपां ने, तो मार्क तुहानूं दिख रहा है। उस तो बाद अपना ब्रेक वाल तो कुछ बोल्ट ने गए प्लेट के जो अपने टुटे हुए थे, इन्हों आप ग्रैंडर करके फेस करके, तो आप बुलट है जो लगा देने ने। 2 24 नंबर के बुलट लगन गए, 2 लगन गए 19 नंबर के, लंबाई रहूगी इन्हों की 2 इंच। तुम्हें बुलट दस दिते ने किड़े लगते हैं, इन 2 24 नंबर के, 2 19 नंबर के, लंबाई रहूगी 2 इंच। तो ये बुलट इन यूज करने, लॉक नट यूज करने, तो ये फुल टाइट करने ने। यह अपने गलों का खास ध्यान रखना। तो ये असी पूरे खिच दिते ने पाना पा के, तो एक बुलट पेंडिंग हाले 19 नंबर का, तो वो आप बुलट सारे फुल टाइट करने तो बाद देख रहे हो नवे बुलट यूज करे ने अपने सारे। तो उस तो बाद आपू वेल्डिंग करवावे नाल, ताकि आपू दोबारा कोई प्रॉब्लम आए, थोड़ी थोड़ी वेल्डिंग करावे नाल, जो बुलट है बुलटा तो ज़्यादा जोर नहीं पैना, सेफ रहेंगे। ये वेल्डिंग असं इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सानू पता है ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है इन्हों, बोल्ट लूज हो जाते हैं बाद टुट जाते हैं, तो अगर ये काम कराने आप दोबारा अपन सीधी प्रॉब्लम नहीं आती। तो बोल्ट भी आप फुल टाइट कर दते हैं, वेल्डिंग करवा दी है, तो उस तो बाद आप अगला काम देखा की करना। उस तो बाद जो व्हील सिलेंडर आप नवा फिट करा। तो दोस्तों थोड़ा जा शाम का टाइम असी कम कर रहे हैं, हनेरा पैन लग गया, तो फिर भी असं तुहानू कला कला स्टैप दिखावे। तुसी अगर कमेंट करोगे तो दिन के पूरी फुल वीडियो स्पैशल लैके आवेंगे, ये भी असं पूरा स्टैप कला कला तुम दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम आई सी की आप चेंज कर रहे हैं ये। तो आप व्हील सिलेंडर लगाने तो बाद सूज जिमें आप कटे से उमें आप उपर रख लेने ने बड़ा स्प्रिंग पा के, तो इहदियां जो 2 पिन्ना ने गियां पिन्ना आपां ने हुण पाउणियां ने जिहड़ियां आपां कढ़ियां सीगियां। पिन्ना दोस्तों अंदर दी बाहर नूं पाउणियां ने, आपां अंदरों बाहर नूं पिन्ना पाउणियां ने, बाहरों अंदर नूं नहीं पाउणियां। देखो तुसीं अंदरों बाहर नूं पा रहे हां आपां, ते एकण तुसीं पिन्ना पाउणियां ने ते इहदे लॉक लगाउणे आ। ते दोनों पिन्ना दे लॉक लगा देणे आ। उस तो बाद आपां की करना, जो ये ब्रेक सूज ने जो अपनी केम है, केम आप वर्क कराने जिमें आप पहले लैदर दूर करे थे सूज, तो एवं सिलेंडर तो पिछे हट जाते हैं अगर आप केम वर्क कराने। उस तो बाद आप जो गुलियां ने पाउणियां ने। तो दोस्तों जो असी ये सीट है गुली जिथे बैठती है वो भी असी नवी कट के पत्ती लगाई हैगी, तो कि जो गुली अपनी दोबारा टेढ़ी ना हो, अगर टेढ़ी गुली चलूगी बैलेंस नहीं रहूगा
ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸੂਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੇਮ ਦੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਮ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬੋਲਟ ਅਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਨਟ ਵਾਲੇ ਸਪਰਿੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸੂਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਲੀ ਫਿਰ ਸਪਰਿੰਗ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੌਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਟ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਆ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲਗਾਓਗੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਜ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ 13 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਰੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੋਲਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਰੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਮਰ ਦੀ ਯੂਜ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਗੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਹੈਮਰ ਦੀ ਯੂਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਹੈ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਫੁੱਲ ਨਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਗਾ ਵੀਲ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੇਮ ਹੈ ਕੇਮ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 17 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੋਲਟ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਪ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਪ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੈਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਪਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਡਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਪੈਡਲ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸਰ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਡਲ ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਪਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਏਅਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਵੈਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸਰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਡਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਪਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੈਲ ਆ ਏਅਰ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੈਡਰੇ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਲੱਚ ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚ।